शंकर भाई। अरे हमको नहीं मालूम था कि तू इतना जल्दी मरेगा रे। माफ कर दो नाथा भाई। अरे भाई मत बोल। माफ कर दो नाथा भाई, वैसे कभी ऐसा नहीं होगा, कभी गलती नहीं करेगा। तुमने जो करना था ना कर दिया, मुझे सब पता है कि तुमने क्या किया होगा। इतनी भी नादान नहीं हूं मैं कि तुम्हें समझ ही ना पाऊं मैं। शांजा तुम इतनी रात को कहां जाएगा? कहीं पे भी जाऊं, तुमसे मतलब? क्या मतलब? मतलब है ना, क्योंकि तुम हमारा दिल से दोस्त है। अभी तो मैं कहीं नहीं जा रही हूं, अगर आप ही इजाजत दें तो ठीक है, पर मैं यहां से भी कहीं चली जाती हूं। अरे मगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं, आप इस वक्त अकेले आ गई है, सब ठीक तो है ना? सब ठीक होता तो आपके घर का पूछती हुई क्यों आती मैं? अरे हुआ क्या है? मैंने कहा था ना आपसे कि नौशीन को हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं है, उसने मेरे भाई को कॉल करके सब बता दिया कि मैं यहाँ रहती हूँ। अरे पर हुआ क्या है? उसका भाई सुबह आया था, हम आपको फोन किया, तुम चाहे समंदर में था, तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था। अरे क्या बोला उसके भाई ने? उसका भाई पहले से सब कुछ जानता था, वो दो दिन पहले देखा फैसल के साथ उसको, उसके बाद उसे प्यार से समझाता रहा। तुम लोग का क्या लगता है ये? अरे हमारा कुछ नहीं लगता है, नौशीन का दोस्त है, उसके साथ पढ़ता है, डॉक्टर बन रहा है उसके साथ। जिसका दोस्त है, जिसके साथ पढ़ता है, उसके साथ उसका लड़ाई हो गया है, तो बोल रहा है गलत फहमी हो गया है। ये सब कुछ तुम्हारे साथ अगर होएगा तो तुमको पता है कि तुम्हारा नतीजा क्या होएगा? आपको लगता है कि वो आकर आपका ख्याल रखेगी? उसकी तो ब्रेन इंजरी हुई ना बेचारी की, किसी काम की नहीं रही है वो अब। किसका बात कर रहा है तुम, जिसको चोट लगा है? हाँ उसके दिमाग में चोट लगी थी, अभी उसके दिमाग के कुछ हिस्से ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। अरे हमने तो उसको बड़ा समझाने की कोशिश किया, उसने तो उल्टा हम पर इल्जाम लगा दिया कि हम आपको फोन करके बुलाया यहाँ पर। अरे भाई जब भी तुम उसको मिलो ये जरूर बताना कि हमने तुमको कॉल नहीं किया है। लेकिन उसके लिए उसका मिलना जरूरी है, वो मिल जाए तो मैं यकीन उसे बता दूंगा। अरे मिल जाएगा, वो कहाँ जाएगा? वो अभी तो उसका वीजा भी नहीं लगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। वो वहाँ क्या करेगा? जॉब करेगा, पैसे कमाएगा, यहाँ पे रह के बॉक्सिंग ही तो करता है सिर्फ, कोई इनकम भी नहीं उसकी। नहीं यहाँ कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, उसकी जेब खाली है। अरे किधर है तुम? तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? हम बात क्या कर रहे तुमसे? अरे जो पहले करता था, और बात सुनो चांजे वाला क्या चक्कर, क्यों निकाला तुमने घर से उसको? तुम हमारा बात पे यकीन तो करता, हम पे शक कर रहे तुम? हमने तुम पर शक किया, ये तुमने हमको यकीन दिलाया। शॉपिंग पे तुम उसके साथ जाता था, लंच डिनर कॉफी सब तुम उसके साथ एंजॉय किया, उसे रोज दरवाजे से छोड़ता पिक करता। तुम्हारा अंदर कभी इतना हिम्मत हुआ कि अंदर आके हमारा हालचाल पूछ ले कि हम कैसा है, फिर बोलता है कि हम तुम पे शक करते? अरे तुम हमारा बात समझने का। गुड मॉर्निंग फैसल। गुड मॉर्निंग। अब सुबह सुबह किससे बात हो रही थी? Thank you.
नहीं वो हेलो हेलो एड़िए नौशीन हेलो अरे आपने क्यों तकल्लुफ किया, अम्मा बना लेता ना चाय। अब क्या सारी जिंदगी अम्मा ही बनाती रहेंगी आपके लिए चाय? ऐसा बात नहीं है, आप मेहमान है ना, हम इसलिए बोला आपको। हाँ तो कुछ लोगों से मिलके बहुत अपनाइयत लगती है, जैसे कि आप, आपके घर वाले और ख़ास तौर पे अम्मी। आज तो उन्होंने मुझसे अपनी इतनी बातें शेयर की, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हो। अरे वैसे इतना बातें तो अम्मा ने भी कभी हमसे शेयर नहीं किए। मेरी तरह आप उनके पास बैठे नहीं होंगे ना कभी। हाँ ये भी हो सकता है। आप तो बहुत अच्छा चाय बनाते हैं। अच्छा थैंक यू। तो फिर क्या ख्याल है आपका? किस बारे में? अब वो एक कप और चाय बना दूं आपके लिए? नहीं नहीं ये काफी है हमारे लिए। हाँ मैं अभी आती हूँ। हमको लगता है तुमको कोई गलत प्रेमी है। अपने खुद अपने कानों से उसका आवाज सुना है। तो इसका मतलब है फैसल का उससे अच्छी दोस्ती हो गया है। हमको तो लगता है दोस्ती से भी कुछ ज्यादा। वो उसके साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है और सारा सारा दिन का किस्सा आके हमको सुनाता है। उसके बाद जब उसका भाई उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए तो उसको लगता है कि हम उससे और पैसे से जलता है, इसलिए हमने उसको यहाँ फोन करके बुलाया है। उसको लगता है अब उसको पैसे से दूर करना चाहता है, जबकि दूर और करीब तो इंसान दिल से होता है। हम ऐसा क्यों करेगा? हमारा ख्याल है कि हमको उसके भाई को सब कुछ बता देना चाहिए। उसका बहन भी यहाँ से चला गया है, अब उसको कहीं शक ना हो कि हम भी उसके साथ है। अब नहीं बताएगा। अब मगर ऐसा करेगा तो शांजा को लगेगा कि हम उससे और पैसे से जलता है। अब नहीं करेगा। और हकीकत क्या है? हकीकत हमको अंदाजा है तुम पैसल को पसंद करता है। बोलो ऐसा ही है ना? जब वो फैसल को लेके जाएगा तो तुम लोग को क्या लगता है कि वो सुबह भेज देगा तेरे पास? तुम फैसल का शक्ल देखने को तरस जाएगा। जैसा तुम सोच रहे हैं ना सब उसका उलट होएगा। जैसा तुम लोग को लग रहा है ना कि उसने तुम लोग के लिए चाय बनाया है, ये सब अभी का बात है। हमको सब पता है, हमने दुनिया देखा है। हम बहुत शर्मिंदा है दादा, हमको माफ कर दो। हम तुम्हारे बगैर अंधा है। अरे पूरा लिहाज़ ही तुम्हारे नाम से हमको जानता है। हमको माफ कर दो प्लीज। हमको लगता है ये लड़की ना तुम्हारा जिंदगी बना देगा। अरे अम्मा वो लड़की कैसे जिंदगी बना देगा? वो अपना महल छोड़ के हमारे 3 मरला का घर में रह रहा है, तुम कह रहे हो वो हमारा जिंदगी बना देगा? क्यों नहीं हो सकता है, सब हो सकता है। हमको लगता है वो तुमसे ना राजी है।
वो लड़की चला गया? नहीं, अभी नहीं गया है। तुम अपना बेटे को समझाओ थोड़ा, कि लड़की मर्दी का चक्कर में नहीं पड़े। जो इस चक्कर में पड़ता है वो फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा लड़की नहीं है वो, बड़ा कानदानी है, हमसे तो बहुत प्यार करने लगा है। हम सुबह नमाज पढ़ रहा था, हमारे लिए चाय बना के लाया। क्या इससे फर्क पड़ता है चाय बना के लेके आया? असल बात यह है कि वो लड़की है, उससे हम लोग का कोई रिश्ता नहीं है। और किसी जवान लड़की का हम लोग का घर में रहना बगैर किसी वजह के हम लोग को पसंद नहीं है। शक शक शक, हर वक्त शक करता है, हर बात पे शक करता है। हमको तो बहुत अच्छा लगा लड़की, ऐसा लड़की हमने नहीं देखा है। वो नौशीन पोशीन से तो बहुत अच्छा है, जिसको पैसल पसंद करता है। अच्छा, मतलब कि तुम शादी का सोच रहे हैं? हमको बहुत अच्छा लगा है। और एक काम का बात बताए, वो बोलता है हम पैसल को बाहर ले जाएगा, टिकट भी देगा, वीजा भी देगा, और तो और उसका नौकरी भी लगाएगा। फिर क्या होएगा? फैसल का जिंदगी बन जाएगा, और क्या होएगा? जब वो फैसल को लेके जाएगा तो तुम लोग को क्या लगता है कि वो सुबह भेज देगा तेरे पास? तुम फैसल का शक्ल देखने को तरस जाएगा। जैसा तुम सोच रहे हैं ना, सब उसका उलट होएगा। जैसा तुम लोग को लग रहा है ना कि उसने तुम लोग के लिए चाय बनाया है, ये सब अभी का बात है। हमको सब पता है, हमने दुनिया देखा है। कुछ भी हो, वो लड़की हमारे दिल को भा गया है। हम पैसल से पूछेगा। अरे उससे पूछो नहीं, उसको ये बोलो कि इस लड़की को यहाँ से भेजे। इसका मतलब है हम उस लड़की को घर से निकाल दें? किस्मत में ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। अरे किस्मत इंसान खुद बनाता है, इसलिए कि कुछ फैसले इंसान को खुद करना पड़ता है। फिर भी तेरा दिल है तो पूछ ले फैसल से। फिर सुबह हमको नहीं बोलना कि फैसल हमसे दूर हो गया है, ये फैसला तुम अपना हाथों से कर रहे हैं। ठीक है, हम फैसल से बात करूंगा। कैसे फैसल से बात करेगा? अजीब। अरे वो तुमको बोला था फ्लैट पे चक्कर लगाने का, सब सेट है ना उधर? हम बहुत शर्मिंदा है दादा, हमको माफ कर दो, हम तुम्हारे बगैर अंधा है। अरे पूरा लिहारी तुम्हारे नाम से हमको जानता है, हमको माफ कर दो प्लीज। ठीक है, उठ जा। दादा ऐसे नहीं, दिल से माफ करो। अरे बोला ना, उठ जा, बैठ। दादा हम शर्मिंदा है, हमको दिल से माफ किया ना तुमने। अरे अब कसम उठावे क्या? बोला ना ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ उस दिन हमको। हम बहुत शर्मिंदा है, हमें माफ कर दो। अरे आइंदा अगर उस रास्ते से भी गुजरा ना तो उस दिन बचेगा नहीं तू। हम बहुत शर्मिंदा है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हो गया था। भाई ऐसे बार बार बोल के हमको शर्मिंदा मत करो। अच्छा भाई, एक बहुत अच्छा काम आया हुआ है। तो इसलिए तू हमसे माफी मांगने आया था? दादा हम तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है, इसलिए हमने तुम्हारा पांव भी पकड़ा है, माफी भी मांगा है। दादा बहुत बड़ा काम है, दादा हम तो बोलते हैं कि गाड़ी ले लो,
लिहारी वालों पे ना तुम्हारा भरम पड़ेगा। और डॉक्टरनी ना बस में जाती है, गाड़ी देखेगा ना उसके मुंह में भी पानी आ जाएगा। काम बोल। इधर आओ, हमको तुमसे एक बात करना है। अम्मा, बोलो। कैसा लगता है तुमको ये लड़की? चांजे? हाँ, उसी का बात कर रहे हैं हम। अरे अम्मा, तुम बहुत भूल है, वो यहाँ रह रहे इसका ये मतलब नहीं कि वो हमको ज्यादा नहीं सिखाओ, जो पूछा वो बताओ। हमको लगता है ये लड़की ना तुम्हारा जिंदगी बना देगा। अरे अम्मा, वो लड़की कैसे जिंदगी बना देगा? वो अपना महल छोड़ के हमारे 3 मरला का घर में रह रहा, तुम कह रहे हो वो हमारा जिंदगी बना देगा? क्यों नहीं हो सकता है, सब हो सकता है। हमको लगता है वो तुमसे ना राजी है, तुमको पसंद करता है। अम्मा, तुमको पता है कि हम नौशीन को पसंद करते हैं, और अगर हम शादी का सोचूंगा भी ना तो सिर्फ नौशीन से, उसके अलावा किसी से नहीं। हमारा बात सुनो, देखो वो लड़की बहुत अच्छा है, हमारा भी ख्याल रखेगा। अरे मैं तुमको कैसे पता वो लड़की अच्छा है? अभी 1 दिन हुआ उसको साथ रहते हुए तुम बोले अच्छा, तुम बात बोला है। इंसान इतना सादा और आसान नहीं है कि 1 दिन में समझ आ जाएगा। देख ले, इससे अच्छा लड़की तुमको जिंदगी में नहीं मिलेगा। देख अम्मा, अच्छा लड़की वही होता है जो दिल से अच्छा लगे, और हमको दिल से सिर्फ नौशीन ही अच्छा लगता है, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन वो तुमको अच्छा जिंदगी नहीं दे सकता है। तुम इधर मुक्काबाजी करेगा, वो डॉक्टरी करके 150 लेगा, बस ये जिंदगी है। अरे अम्मा, यही जिंदगी है लियारी के लोगों के लिए अच्छा अच्छा काम करना, इनकी भलाई के लिए काम करना, यही तो असल जिंदगी है अम्मा। इसी लियारी के लोगों के लिए तो हमने ख्वाब देखा है। वो ना तुमको बाहर ले जाने का बात कर रहा था। अम्मा, हम मुल्क से क्या, हम लियारी से बाहर नहीं जाऊंगा, और खबरदार तुम उससे बात मात नहीं करना। हाँ, बात मात नहीं करना, अजीब बात करता है, हमको ऑर्डर देता बात मात नहीं करना। तुम्हारा बस यही काम है मुक्केबाजी, यूं यूं यूं। जाओ अपने दोस्तों में जाके बैठो, हमारा दिमाग खाता है, कुछ भी नहीं बनेगा। तुम बस इधर जाएगा उधर जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। अच्छा मिला लड़की, कोई बात ही नहीं है। अभी हमने क्या किया है? अगर तुमको ये पता ही नहीं कि तुमने क्या किया तो फिर बात ही खत्म। बात करेंगे तो बात खत्म होएगा ना। पूरा रात हम सो नहीं सका है। शांजा की मेजबानी कर रहा होगा ना सारी रात, इसलिए तो सो नहीं सका। तो ये शांजा का गुस्सा है। हमने उसको बोला ये लड़की कैसा है। कौन सा लड़की? तुम्हारा बात किया हमने, हमको बोलता हमने तो बहुत बोला है। फिर बात दरअसल ये वो नौशीन है ना, उसको पसंद करता है। लेकिन हमने तो चांदा की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और गरूर देखा है। जो उसको तुम्हारे साथ होने पे होता था। नौशीन, हम पर एतबार करो, हमारे दिल में उसके लिए कभी जज्बात नहीं हो सकता है। हमें तो इस बात पे यकीन नहीं आ रहा है, तुमने इस बात पे कैसे यकीन कर लिया? कौन है? आ रहे
फोन क्यों काट दिया था? बात भी क्या करता हम तुमसे? पहले क्या बात करता था? पहले तुम ऐसा नहीं करता था। अभी हमने क्या किया है? अगर तुमको ये पता ही नहीं कि तुमने क्या किया तो फिर बात ही खत्म। बात करेंगे तो बात खत्म होएगा ना। पूरा रात हम सो नहीं सका है। शांजा की मेजबानी कर रहा होगा ना सारी रात, इसलिए तो सो नहीं सका। तो ये शांजा का गुस्सा है? नहीं तो फिर हमको क्या खुश होना चाहिए? तुम सारा सारा दिन उसका ड्रेस पहनकर घूमता रहा, वो हमको खुशी खुशी बताता था कि वो कॉफी पे गया, लंच पे गया, डिनर पे गया, और उसके बाद जब वो यहां से गया तो आया भी सीधा तुम्हारे पास। उसके पास क्या कोई ठिकाना नहीं था रहने का? अरे ये तो उसका रिहायशी मजबूरी थी। दिल का मजबूरी भी तो हो सकता है। दिल का मजबूरी तो है, लेकिन वो सिर्फ तुमसे जुड़ा है। अब बैठने का नहीं बोलेगा? इतनी देर गेट पर खड़ा रखेगा क्या? हम सब देख और महसूस कर चुका है कि तुम्हारा मजबूरी कौन है और तुम्हारा जरूरत कौन। अरे नौशीन, हमारा बात पे यकीन करो। हमारे दिल में शांजे के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हम ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा और शाहिद के लिए कर रहा था, और कुछ नहीं। लेकिन वो तो शाहिद और हमको छोड़ के सीधा तुम्हारे पास आए, और तुमने तुमने तो हमको बता रहे तक गवारा नहीं किया। अरे मैं बताने के लिए कॉल कर रहा था, लेकिन हमने तो शांजा की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और गरूर देखा है। जो उसको तुम्हारे साथ होने पे होता था। नौशीन, हम पर एतबार करो। हमारे दिल में उसके लिए कभी जज्बात नहीं हो सकता है। हमें तो इस बात पे यकीन नहीं आ रहा है। तुमने इस बात पे कैसे यकीन कर लिया? तुम्हें हम पर यानी अपनी मोहब्बत पर एतबार होना चाहिए। तुम हमारी बात पे यकीन करो। हमारा आंखों में तुमने कभी कुछ पढ़ने का कोशिश किया? हालांकि तुम्हें शांति से ज्यादा हमारा आंखें पढ़ने का जरूरत है। अब वो हमारा घर आ गया है, हम क्या कर सकते हैं? उसको निकाल तोड़ी सकता है? हमारी जगह पे अगर तुम होता तो तुम भी यही करता जो हम कर रहा है। हम ये गलत फहमी भी दूर कर दूंगा। ऐसे तुम सच पूछो तो गलती हमारा ही है। हमें उसको पहले दिन ये साफ साफ बता देना चाहिए था कि हम तुमसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। लेकिन हमको दुख तो इस बात का है कि उसको ऐसा लगता है कि हमने उसको तुमसे दूर करने के लिए सब कुछ किया। शायद तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जगह होगा, इसीलिए तो तुम उसे हमारे बारे में नहीं बता सका। ऐसा बात नहीं है। हमको अच्छा नहीं लगा अपना पर्सनल लाइफ इससे डिस्कस करना। तुम्हारी आंखों में देखो, हमारी आंखों का मोहब्बत कहां तुमसे नजरें चुरा रहा है। तो वो सब क्या था? उसका तुम्हारे लिए इतना बेचैन होना, हमसे लड़ना, तुम्हारा इंतजार करना, तुम्हारे लिए कर छोड़ना। अरे तुम उसका गलत जज्बात का सजा हमको देगा? हम तुमको बार बार समझा रहे हैं कि इस गलत फहमी से बाहर निकलो। और जहां तक बात शांजे का है, उसको हम कल ही घर से निकालूंगा। सच में ऐसा कुछ नहीं है? अरे ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पास तुम्हारा सिवा कुछ भी नहीं है। तुमको पता है
हमने ये दिन बड़ी अजियत में गुजारे। इसीलिए तुमने हमको भी अजियत में रखा ना। सॉरी। नहीं, गलती हमारा भी है। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम बस ऐसे ही मुस्कुराता रहो, अच्छा लगता है तुम मुस्कुराता हुआ। नादर भाई जी, जी आप वाले होटल पे बैठा हूँ, मुलाकात करनी है आपसे, आप आ जाएं तो मेहरबानी होगी। जी मैं इंतज़ार कर, आ जाएं आप। अभी तक फैसल नहीं आया। वो अपना टाइम से घर पे आता है, कब आता है कब जाता है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। ये तो कोई बात ना हुई, अभी तो वो कोई जॉब भी नहीं करता। हालांकि हम उसको बहुत समझाता है, उसको सिर्फ मुक्काबाजी का शौक है, दोस्तों यारों में घूमने फिरने का सारा टाइम इसी में लगाता है। ये तो वक्त का ज़िया है, हालांकि वो कोई जॉब भी नहीं करता, उसकी लाइफ का तो कोई एम ही नहीं है। हमारा सुनता किधर है? हम जो भी बात करता है ना तो बोलता है हमें तो बहुत बोला है, जैसे वो बहुत समझदार है। हमने उसको बोला ये लड़की कैसा है। कौन सा लड़की? तुम्हारा बात किया हमने, हमको बोलता हमें तो बहुत बोला है। फिर बात दरअसल ये वो नौशीन है ना, उसको पसंद करता है। नौशीन को पसंद करता है वो? ये आपको किसने बताया? उसका दादा ने हमको बताया कि वो नौशीन को पसंद करता है। तो क्या नौशीन भी पसंद करती है उसे? अल्लाह जाने कौन किसको पसंद करता है, हमको तो यही मालूम हुआ है। मगर मुझे मालूम है। आंटी मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना के लाऊं? तुम बनाएगा चाय? जी चल ठीक है। बहुत अच्छा लड़की है, हमारा कितना ख्याल करता है, नौशीन पोशीन नहीं करता, पता नहीं क्या है। अल्लाह करे हमारा बच्चा राजी हो जाए से शादी करने को, बड़ा मजा आएगा, हमारा ख्याल तो रखेगा। मेरी गाड़ी तो देखी है ना आप, ये उसकी चाबी है, जब आप कहेंगे गाड़ी आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो? अरे क्या गड़बड़ होगा, काम बिगड़ भी सकता है। अरे आपका नाम नहीं आएगा साहब, आप बेफिक्र हो जाओ। ठीक है तुम शांजे को ले आओ, मैं तुम्हें गाड़ी दे दूंगा, लेकिन एहतियात और संभाल के। अरे साहब, अरे लियारी अपना इलाका है, आप बेफिक्र हो जाओ, अरे कोई गड़बड़ नहीं होएगा। अरे देखो साहब, अगर आपका बहन लियारी में है ना तो हम उसको ढूंढ निकालेगा। अरे ढूंढना क्या है, हम आपको रात तक बता देगा। नादिर भाई अगर मैं आपसे कहूं कि इसी तरह भी शांजे को मेरे पास ले आए तो?
अरे ये कौन सा मुश्किल काम है, हो जाएगा। हो जाएगा तो कर देना प्लीज। आप क्या देगा, क्या चाहिए आपको? गाड़ी। मेरी गाड़ी तो देखी है ना आपने, ये उसकी चाबी है, जब आप कहेंगे गाड़ी आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो? अरे क्या गड़बड़ होगा, काम बिगड़ भी सकता है। अरे आपका नाम नहीं आएगा साहब, आप बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, तुम शांजे को ले आओ, मैं तुम्हें गाड़ी दे दूंगा, लेकिन एहतियात और संभाल के। अरे साहब, अरे लियारी अपना इलाका है, आप बेफिक्र हो जाओ, अरे कोई गड़बड़ नहीं होएगा। लेकिन अगर शांजे लियारी में ना हुई तो फिर तुमको शाहिद की बहन को उठाना होगा। शाहिद का बहन? हाँ। शाहिद का बहन को उठाना है? हाँ, शाहिद की बहन को। अरे हम इतना बेगैरत नहीं है कि जो लालच में आके लियारी की लड़की को उठाएगा? क्या? देखो साहब, हम तुम्हारा बहन तो उठा के तुमको दे सकता है, मगर लियारी का लड़का ही नहीं देगा तुमको। और अगर तुमको तुम्हारा बहन ढूंढना है ना, तो हम सब कुछ करेगा, ढूंढ के देगा तुमको। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम किसी तरह भी मेरी बहन को मेरे हवाले कर दो, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। खुद देख लूंगा? अरे क्या खुद करेगा, मतलब तू शाहिद की बहन को अगवा करेगा? दरअसल मैं समझी शायद आप नाराज हैं। अरे हमने आपको उसी वक्त बोल दिया था कि हम नाराज नहीं हैं। लेकिन उस वक्त मुझे यही लगा था। अरे नाराजगी तो रिश्तेदारी में होता है, हम तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट लेके आया था जो आपका मामा ने सौदेबाजी में डाल दिया। कि हमने उनका बात नहीं माना ना, तो हमारा बात क्यों मानेगा? फैसल आप बहुत तेज हैं, बहुत ज्यादा तेज हैं। हमने बड़ा खुल के बात किया उससे, उसने हमको बताया कि उससे गलती हो गई। चांजा को देखा आपने, सारा इल्जाम हमारे सर पे डाल के एक मिनट में चला गया यहाँ से। हो जाता है कभी कभी ऐसा, तुम अपना दिल साफ रखो। हमको भी लग रहा था कि फैसल ऐसा नहीं है, कि जैसे वो हर मामले को बिजनेस की तरह देखते हैं, अगर फायदा है तो ठीक है मिलो, वरना नजरअंदाज कर दो। अच्छा तुम्हें गुड न्यूज सुननी है या नहीं सुननी है? हमको सुनना है, जल्दी सुनाओ। हाँ, पर हमको ये बात हजम नहीं हो रहा है कि उसका शाहिद की बहन से क्या लेना देना, अरे जबकि उसके घर भी गया था वो। अरे कहीं उसका शाहिद की बहन पे दिल तो नहीं आ गया? अरे उस्ताद, इतना बड़ा सेठ, उसका लियारी की लड़की पे क्यों आएगा दिल? तुम कहाँ ना लाया है? आप जी, मैंने बनाया है। क्या तुम सोच रहे हैं ना, पर नहीं हो सकता है। मैं क्या सोच रही हूँ? तुमको पता है तुम क्या सोच रहे हैं? हमारा बाल सफेद हो गया है, हम सब समझते हैं, तुम फैसल को पसंद करते हैं ना। अरे वो हमारे घर पता नहीं कौन सा उम्मीद लगा के आ गया है, कभी अम्मा के साथ काम में हाथ बटा रहा है, कभी हमारे लिए नाश्ता ला रहा है, वो दादा बहुत नाराज है। अरे तो तुम कल्टी करो उसको। अरे घर आए मेहमान को ऐसा निकालता थोड़े ही है। अरे
तो तुम एक दो दिन बातचीत बंद कर दो उससे, फिर देखो कैसा जाता है वो। अरे नहीं दिलावर, हम ये सोच रहे थे कि हम उसको सब कुछ साफ साफ खुल के बता दूंगा। हम उसको लड़की वापस करने का वादा किया हूं। हाँ तो तुम्हारे पास है तो कर दो उसको वापस। अरे हमारे पास कहां से आएगा, तुम्हारे घर इसलिए तो आया हूं, तुम्हारे पास है ना वो। अरे वो चला गया। चला गया? कहां चला गया? हमको जरूरत नहीं है तुमको बताने का। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, हम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है। खतरे को नाप लिया, रास्ता हमने नाप लिया, मंजिल हमने है ताड़ी, ल्यारी से किवाड़ी।